बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, कैसे हो? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ KP पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामियात के पास्ट पेपर के कुछ अहम MCQs जो मैंने कलेक्ट किए हैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, जिन एस्पिरेंट्स ने KP पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामियात पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो उनके लिए ये बहुत ही अहम MCQs हैं, क्योंकि दोस्तों ये MCQs बार बार रिपीटेड होते हैं इस्लामियात के जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं KP पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो दोस्तों, चलते हैं MCQs की जानिब और शुरू करते हैं। पहला MCQs है, काब बिन अशरफ यहूदी को किस सहाबी रसूल ने वासिल जहन्नम किया है? तो इसका जवाब है मोहम्मद बिन मुस्लिमा। दूसरा MCQs है, बैत रिजवान में सबसे पहले बैत करने वाले सहाबी रसूल कौन है? तो इसका जवाब है सिनान इब्ने सिनान। तीसरा MCQs है, उम्मुल मोमिनीन मारिया कतबिया का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो इसका जवाब है मिस्र। छोटा MCQs है नंबर 4, हुजूर सल्लम ने हज के मौके पर अपने हाथ से कितने ऊँट ज़बह किए थे? तो इसका जवाब है 63, यानी 63 ऊँट ज़बह किए थे। 5th MCQs है, आपकी तलवारों की तादाद कितनी है? तो इसका जवाब है 9। इसके बाद है 6th MCQs, मैदान बदर में मदीना से कितनी मील दूर है? यानी मैदान बदर मदीना से कितनी मील दूर है? तो इसका जवाब है 80, यानी 80 मील दूर है। 7th MCQs हैं, पहली नमाज जुम्मा किस सन हिजरी में अदा की गई? इसका जवाब है 1 हिजरी। नंबर 8 MCQs है, आपके विसाल के वक्त हज़रत आयशा सदीक़ा की उम्र मुबारक कितने यानी साल थी? तो इसका जवाब है 18 साल। नेक्स्ट MCQs है दोस्तों, 9 MCQs है, इस्लामियात की पहली मस्जिद कौन सी है? तो इसका जवाब है कबा, यानी कबा इस्लामियात इस्लाम की पहली मस्जिद है। नंबर 10 MCQs है, हुज़ूर सल्लम की अंगूठी किस सहाबी रसूल सल्लम ने बनाई थी? तो इसका जवाब है याली बिन उमैया। नंबर 13 MCQs है, ग़ज़वा तबूक किस सन हिजरी में लड़ी गई? तो इसका जवाब है 9 हिजरी में लड़ी गई। नंबर 12 MCQs है, क्रैश में सबसे पहले कातिब वही कौन था? तो इसका जवाब है अब्दुल्ला बिन अबी सरहा। इसके बाद MCQs है 13 MCQs है, सुलहदबिया में क्रैश की तरफ से शरायत किसने तय किए? तो इसका जवाब है सहेल बिन उमरो, उसने शरायत तय की थे। नंबर 14 MCQs है, उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में किसका इंतकाल हुआ? तो उसका जवाब है उम्मे सलमा। इसके बाद में 15 MCQs है, हवारी रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? तो इसका जवाब है ज़ुबैर बिन अवाम। नंबर 16 MCQs है, खतीब रसल और खतीब अंसार किस सहाबी रसूल का लकब है? तो इसका जवाब है साबित बिन कैस। नंबर 17 MCQs है, कबा में हुजूर सल्लम की किस सहाबी रसूल के घर में क़ियाम किया था कबा में? तो इसका जवाब है कल्सूम बिन खदाम, यानी इसके घर क़ियाम किया था। इसके बाद MCQs है 19 MCQs है, हज़रत बकर रज़ी अल्लाह के कबूल इस्लाम के वक्त उम्र मुबारक कितनी थी? यानी इसकी उम्र कितनी थी? तो जवाब था है 38 साल, यानी हज़रत बकर रज़ी अल्लाह की 38 साल उम्र थी जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इसके बाद MCQs है 20 MCQs है, आखिरी वही के कातिब कौन है? तो इसका जवाब है आबी बिन काब, आहिर वही की जो कातिब है। तो दोस्तों, ये 20 MCQs मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मज़ीद MCQs शेयर करेंगे, जो मज़ीद सब्जेक्ट है इसके MCQs भी शब्द इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के अहम और इंफॉर्मेटिव MCQs आप तक पहुंच रहे। इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।